समय हमारे साथ मौजूद, मैं हूं संजय बैनर्जी। कृपा शंकर जी, स्वागत आपका इस बड़े मुकाबले में। धन्यवाद संजय, बिल्कुल ये बहुत ही बड़ा मुकाबला है। हालांकि पहला मुकाबला कनाडा की पहलवान कुमिनेश ने चितपट के आधार पर जीता था और ये दूसरा मुकाबला है। उनके बाद एक और खिलाड़ी रह जाएगी श्रीलंका की, और इन तीनों पहलवानों को अगर हरा लेती है विनेश तो गोल्ड मेडल पक्का हो जाएगा। राउंड रॉबिन का ये मुकाबला मिनट कुल मिलाकर इस मुकाबले में रहना होगा। पैरों पर जाने की कोशिश, लेकिन बहुत ही खूबसूरती के साथ अपनी पोजीशन को पलटा, दो पॉइंट्स लेकर के आ गई फोगाट टेक डाउन के, और अब यहाँ पर कटरी किशन के पॉइंट के आधार पर ही रैंकिंग निर्धारित होगी। तो निश्चित रूप से विनेश चाहेगी कि ये मुकाबला भी चटपट के आधार पर या तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर जीते, ज्यादा से ज्यादा अंक अर्जित करके विपक्षी पहलवान को हराए। बिल्कुल, अधिक रोय लगातार दबाव में दिखाई दे रही हैं, अच्छी पकड़ बनाने की कोशिश, लेकिन अधिक रोय का जो डिफेंस है वो भी अच्छा, एक पैर उनका विनेश, ये बिल्कुल जबरदस्त पकड़ बनाने। 2018 क्या 2022 भी उनके लिए गोल्ड लेकर के आएगा। डिफेंस देखिए विनेश का कितना स्ट्रेच कर रही है पीछे, यहाँ पर उन्होंने खेमे बांधे हुए हैं, बहुत तगड़े खेमे बांधे हैं और पूरी तरह से अपने आप को स्ट्रेच करके उनकी पहुंच से अपने आप को अलग कर दिया। बेहतरीन प्रदर्शन विनेश फोगाट का, बिल्कुल संजय अंकुश लगा दिया है, ब्लॉक कर से वो बेहद अहम होंगे नॉर्डिक सिस्टम के मुकाबलों में। और ये अचानक नीचे गई पैरों की तलाश में, यहां पर अदेकुरोए जो कि नाइजीरिया की पहलवान है, लेकिन एक बार फिर रेफरी का इशारा कि आप लगातार एक सिचुएशन में बने नहीं रह सकते, हरकत होनी चाहिए। और पहला दौर अब बिल्कुल समाप्ति की कगार पर पहुंच चुका है। ऊटर की आवाज देखिए किस तरह तागत को डाइवर्ट किया है। नाइजीरियन रेसलर पैरों में अटैक कर रही थी, तागत लगा रही थी, और वहीं से अचानक कितना सुंदर ये दृश्य देखने को मिला है। पलक झपकते ही पीठ की तरफ घुमा दिया, दो अंक अर्जित किए हैं, हालांकि दो अंक पहले थे, 4-0 पर मुकाबला पहुंचा दिया है। ये 3 मिनट निर्धारित करेगा कि विनेश आखिर नाइजीरियन रेसलर्स को कहां पहुंचाती है। दूसरे दौर की शुरुआत, गर्दन के पास हाथ लगा करके थोड़ा सा झटका मारने की कोशिश ताकि पकड़ बन सके, और वही कोशिश एक बार फिर अदेकुरोए ने की। पैरों पर चली गई, बढ़िया पकड़ बनाई है अदेकुरोए ने, लेकिन क्या वो विनेश को पलट पाएंगी। विनेश यहां डिफेंस करती हुई, और ये रिवर्सल, विनेश अब ऊपर है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से 2 पॉइंट और विनेश को मिले, 6-0 की अब उनकी लीड हो गई है। वो पूरी कोशिश कर रही है कि इस मुकाबले को चित्त करके जीत ले, दोनों कंधे अगर मैट पर लग गए तो ये मुकाबला उसी लम्हे में समाप्त हो जाएगा और क्लासिफिकेशन पॉइंट्स एक बार फिर पूरे मिल जाएंगे विनेश फोगाट को। और संजय मैं तो समझता हूं इस मुकाबले को समाप्त करते ही विनेश का गोल्ड मेडल भी पक्का हो जाएगा। एक औपचारिकता रहेगी श्रीलंका के पहलवान के साथ खेलने की, और वो भी खेलने के बाद विनेश जीतेगी निश्चित रूप से। लेकिन यहां पर पूरा दमखम लगाती हुई अपनी जान को बचाने के फिराक में है नाइजीरियन रेसलर, लेकिन विनेश ने बिल्कुल जैसे शेर हिरन को पकड़ लेता है अपने मुंह के जबड़े से, वो हिलने नहीं देता है। वही नजारा यहाँ देखने को मिल रहा है, तेज सांसें चल रही हैं यहाँ पर अदेकुरोए की, लेकिन वो भी पूरी तरह से दम को बांधे हुए हैं, और विनेश की पूरी कोशिश है कि उनके शोल्डर्स को टिका दे। अगर एक झटका लग गया, एक पल के लिए अदेकुरोए अगर हार मान गई तो तुरंत दोनों कंधे मैट पर लग जाएंगे। 6-0 से आगे हैं, चित्त करके इस मुकाबले को जीत जाएंगी। और संजय देखिए विनेश को जल्दबाजी नहीं कर रही है, विनेश को पता है कि इस डेंजर पोजीशन में, इस पीठ की पोजीशन में जहां पर पीठ की तरफ डेंजर है, इस पोजीशन में चाहे पूरा समय भी समाप्त हो जाए, रेफरी मैच चेयरमैन नियमों के अनुसार से छुड़ा नहीं सकते। बिल्कुल, विनेश फोगाट इंतजार कर रही है, उनकी तुरंत ढीले पड़ने का कोई खास प्रयास नहीं। अब देखना यह होगा कि क्या अदेकुरोए आखिरी लम्हों तक अपनी इस पकड़ को मजबूत बना रख सकेंगी। लगातार अपना दबाव बढ़ा रही है विनेश, लेकिन इस दांव में कम से कम 1.25 मिनट निकाल दिए इन दोनों ने। बिल्कुल, वो भी चित नहीं करना चाहती है और वो भी चित होना नहीं चाहती है, ऐसा सीन लग रहा है जैसे फोटो खिंचवा रहे हैं, और निश्चित रूप से आप बहुत सारी फोटो हो गई होगी क्लिक।
बिल्कुल इससे बढ़िया नजारा कहां मिलता है। और आपने शेर और हिरण की जो बात कही, तकरीबन वो नजारा देखने में लगातार उनके चेहरे पर एक बेबसी, निराशा, हताशा सब कुछ दिख रहा है। और विनेश उनके चेहरे को देख रही है, उनकी आंखों को देख रही है कि तुम कब हार मानोगी। 15 सेकंड का वक्त और ये जाते जाते एक प्रयास विनेश फोगाट के, उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा करके चित्र करने की कोशिश की है, लेकिन अब वक्त इजाजत नहीं दे रहा। 5 सेकंड से कम का वक्त बाकी है। विनेश फोगाट ने इस मुकाबले को तो जीत लिया है और जीतते जीतते कमाल कर दिया आखिरी लम्हों में। बिल्कुल यहाँ पर यह मुकाबला बहुत ही आसानी से निस्तोनाबूद कर दिया है नाइजीरियन रेसलर्स को। जिस तरह से विक्ट्री में आपने देखा होगा विनेश ने किस तरह मैट पर हाथ मारा और हाथ को ऊपर उठाया, ये खुशी के लम्हे उनके, उन्हें पता है कि मेरा गोल्ड मेडल रखा गया है और ये पक्का हो गया है। तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।